गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभी अपना एक वीडियो शूट कर रही थी, जो कि वीडियो कल आप देख चुके होंगे। तो मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गेटअप लिया है, तैयार व्यार हुई हूँ, तो सोचा चलो एक अच्छा सा वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ ब्लॉग अभी से ही। तो मैंने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया है कि मेरी फर्स्ट पेमेंट है वो आ चुकी है। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस हम लोगों का लंच भी हो चुका है, इधर पीहू बैठी हुई है, ये है मेरी पीहू, और हम लोगों ने अभी अभी लंच किया है। मैंने अपना वीडियो भी रिकॉर्ड करके शूट करके रख दिया है। अब मैं उसको पीहू को पहले सुलाऊंगी और फिर उसके बाद उसको एडिट भी करूंगी, क्योंकि वो आप लोग तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जो आप लोग देख चुके हैं, मेहनत लगती है भाई वीडियो शूट करके, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, ये सब। तो वो हो गया है। और आज मौसम भी साफ है, इस समय मैंने कपड़े आज सुबह धुले थे तो वो सब फैले हुए हैं। आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आए थे जब मैंने बताया था कि मैं बीमार हूँ, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा बस कफ है, कोल्ड है, तो वो धीरे धीरे ठीक ही हो जाएगा। तो बस इसीलिए मैंने सोचा आप लोग को व्लॉग बनाना बहुत, मतलब दिखाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। चलिए अब मैं अपना थोड़ा सा जो मैंने मेकअप वेकअप किया है उसको हटाती हूँ और बाल बाल बांधती हूँ, और फिर उसके बाद मिलूंगी आपको मैं थोड़ी देर बाद। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, अभी मैंने अपना वीडियो जो है वो शूट कर लिया था और अभी मैंने अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली है, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ पीहू को सुलाने के लिए। तो चलिए फिर मैं पीहू को पहले सुला देती हूँ, फिर अपना वीडियो एडिट करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रही हूँ आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बता दूँ, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले अभी अपने प्रोडक्ट मंगाए थे, तो मुझे उससे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे लगा आप लोग के साथ भी मैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताती चलूँ। तो आज का मेरा जो पहला प्रोडक्ट है वो है नेचर श्योर का पोर्स एंड मार्क्स, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और ये आपके जनरली सबको पिंपल्स होते ही हैं या चोट लग जाती है तो उनके दाग बन जाते हैं, या फिर जब प्रेग्नेंट लेडी होती है आफ्टर डिलीवरी उसके पेट पे बहुत स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, तो आप लोग बहुत परेशान होते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें कि वो मार्क्स हट जाए। तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फ्रेंड श्वेता आपके लिए बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट ले करके आई है, जो 100% नेचुरल है, इफ़ेक्टिव है, और इफ़ेक्टिव है, नेचुरल है और सेफ़ है। तो आप इसको बिना किसी डर के 100% यूज़ कर सकते हैं। ये वाइट कलर का कार्डबोर्ड का पैकेजिंग है इसकी, और इसके ऊपर सब कुछ मेंशन है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे आपको यूज़ करना है, कितने ग्राम की बॉटल है और कितने का है। तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, ये 100% नेचुरल है और 100 ml की बॉटल है, और ये इसका जो प्राइस है वो 1379 रुपीज़ का है, और ये डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। तो मैंने आपको इसका यूज़ बता ही दिया है कि आपको क्या क्या किस किस चीज़ के लिए आपको इसे यूज़ करना है, तो बहुत इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेट में या कहीं पर भी स्ट्रेच मार्क्स है तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करिए। और मैं कुछ दिन से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट लग रहा है, मेरी स्किन बहुत स्मूथ होती जा रही है धीरे धीरे। तो मैं इसको अगर डेली यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पता है कि ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देने वाली है, इसीलिए मैं आपके साथ इसका बहुत जल्दी पहले ही मैंने इसको आपको बता दिया। और ये है 100% नेचुरल, सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव। इंग्रेडिएंट्स इसमें है 100% प्योर एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मोरिंगा। तो इसमें मोरिंगा ऑयल है, जो कि हमारी स्किन के लिए अगेन बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसमें यूज़ करने का तरीका भी लिखा हुआ है कि वॉश अफेक्टेड एरिया एंड अप्लाई अ फ्यू ड्रॉप ऑफ नेचर श्योर पोर्स एंड मार्क्स ऑयल ट्वाइस अ डे। इसको हमें दिन में 2 बार अप्लाई करना है अपनी साफ स्किन के ऊपर। मसाज इन अ सर्कुलर मोशन विद क्लीन हैंड स्टिल इट इज़ फुल्ली एब्जॉर्ब्ड। हमें इसको तब तक लगाना है जब तक कि वो हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। यूज़ अ नेचुरल सनस्क्रीन वाइल गोइंग आउटडोर्स। तो ये तो हो गया इसका कैसे हमें यूज़ करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या 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 प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्ट्रेच मार्क्स हैं, या फिर आपकी स्किन बहुत डल हो रही है, या फिर आपके स्किन में कोई दाग धब्बे हैं, पिंपल्स के मार्क्स हैं, या फिर आपको चोट लग गई है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं उस एरिए पर दाग को हटाने के लिए। तो प्लीज़ एक बार मेरे कहने से आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा सा महंगा है बट आपकी स्किन के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। और मैं इसकी बाय लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी, तो एक बार आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। अगर आपके बजट में है और आप चाहते हैं लेना तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं।
तो बस अंदर की बॉटल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अंदर देखिए वाइट कलर का बॉटल है और ये ड्रॉप फॉर्म में आता है, तेल की तरह ही एकदम ऑयली है, मतलब ऑयल रनिंग है। बस इसको हमें ऐसे ऐसे अब्जॉर्ब करना है अपने स्किन पे या जहाँ पे भी आपको लगाना है। ये देखिए अब्जॉर्ब हो गया है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। ये देखिए बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बहुत अच्छा ऑयल है। तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार अप्लाई करके देखिएगा। वाइट कलर की बॉटल है, ट्रैवल फ्रेंडली है। इसके अंदर जो है वो एक लिड भी लगा हुआ था, वो मैं यूज़ करती थी तो मैंने निकाल दिया। तो आप चाहें तो आप इसको ट्रैवल भी कैरी कर सकते हैं। और बस तो देखिएगा आपको अच्छा लगे तो। चलिए फिर अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक, और शाम हो गई है और मैं रेडी हुई हूँ डी मार्ट जाने के लिए। थोड़ा सा सामान लाना था, घर का सामान ख़त्म हो रहा है और मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं है तो मैं और पीहू ही जा रहे हैं लेने के लिए। और मैंने सब कुछ फ़ैन वैन बंद कर दिया, ऐसे थोड़ी गर्मी हो रही है, धूप बाहर बहुत कस के है, तेज़ है। तो मैं निकलती हूँ यहाँ से और फिर मैं आपको सीधे डी मार्ट में मिलती हूँ। अभी जस्ट मैं वापस आई हूँ और आज बहुत ज़्यादा रश था डी मार्ट में, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ वहाँ पे शूट नहीं किया। ज़्यादा कुछ क्या मतलब, मैंने शूट ही नहीं किया, मैंने फ़ोन निकाला ही नहीं। और आज मैंने ये साइड मांग ऐसे करके मैंने पोनीटेल बांधी थी और यूं ही चली गई थी। और बस यही है। तो अब मैं जो सामान लेकर के आई हूँ वो सब मैं सेट करूँगी। और ये देखिए इधर आइए, ये पीहू लेके आई है, क्या लाई है? पीहू लेके आई है केक, और वो कह रही है मुझे केक खाना है। मतलब ये स्विस रोल है मगर पीहू ये केक कहती है इसको। तो अभी पीहू को स्विस रोल मैं देती हूँ और फिर मैं पीहू को स्विस रोल देती हूँ खाने के लिए और फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। नीचे सब्जी वाले भैया बैठे थे तो मैंने सोचा चलो भिंडी भी लेके चलती हूँ। तो वो पीहू लेके उठा के लेके आई है और इतना दो बैग में मैं सामान लेकर के आई हूँ। और पीहू यहाँ पे खा रही है, क्या क्या खा रही हो? मैं केक खा रही हूँ। मुझे भी खिलाओगी और सारे फ्रेंड्स को नहीं खिलाओगी? चेंज कर ली है, कहीं से भी मतलब जाओ या कहीं आओ तो फिर लगता है अपनी कंफर्टेबल वाली डेली यूज़ वाली ड्रेस जो है वही पहन लो, तो मैंने चेंज कर लिया है। और अब ये सारा सामान मैं जल्दी से सेट करूँगी। जाने से पहले मैंने दाल जो है वो भिगो के रख दिया था, ये है, और सीटी भी लगा दी थी, आटा सान के गई थी मैं, ये आटा सान के गई थी। भिंडी मैं लेकर के आई हूँ, मैं फटाफट से भिंडी छौंकूँगी। और दाल बन गई है, आज मैंने हरी मूंग की दाल बनाई है और बस भिंडी बना लेती हूँ। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो ये है वो सारा सामान जो कि मैं लेकर के आई हूँ, थोड़ा मैंने अंदर सेट भी कर दिया है, बाकी मैं ये सेट करने जा रही हूँ। और मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मैं और देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा क्या बहने हैं, तो नहीं भाई, हम दोनों बहने नहीं हैं। लोग बोल रहे थे आप दोनों एक जैसे लगते हैं, आप लोग के नेचर एक जैसा है, फेस एक जैसा है। तो थैंक यू सो मच कि आप मुझे दी की तरह बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बहने नहीं हैं। और ये है पीहू का शैम्पू जो कि ख़त्म हो गया था तो मैं लेकर के आई हूँ, वो मैं वॉशरूम में उसकी जगह पर सेट करके रख दूँगी। और अब मैं आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर भिंडी बना ली है,
है और मैंने पूरी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की है क्योंकि मैं पहले भी भिंडी की रेसिपी डाल चुकी हूँ। मैंने दाल को भी हींग जीरे से फ्राई छौंक दिया है। कभी कभी सादी दाल भी अच्छी लगती है बिना प्याज टमाटर के तड़के की, तो बस एक बार आप लोग भी ऐसे ट्राई करिएगा, अच्छा लगता है खाना सादा। तो बस हमारा खाना बन गया है, चलिए फटाफट से अब डिनर करेंगे और अभी मैं जा रही हूँ चटनी बनाने। तो देखिए आप भी चटनी की रेसिपी, सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप मुझे चटनी बनाने की रेसिपी बनाइए बताइएगा, तो मुझे अचानक से याद आ गया, तो मैंने इसमें डाला है अमचूर पाउडर, हरी मिर्च, सादा नमक और हरी धनिया। आप हरी मिर्च अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकती हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा हरी मिर्च डाल दीजिए। मैं थोड़ा तीखा बनाती हूँ क्योंकि मैं खाना थोड़ा सादा बनाती हूँ जिससे मेरी बेटी जो है आराम से खा सकती है और चटनी से हम लोग अपना खाना टेस्टी बना सकते हैं, इसलिए मैं इसमें हरी मिर्च ज़्यादा डालती हूँ। तो बस मैंने इसमें चार चीज़ मिक्स कर दिया है और मैं इसको अब मिक्सी ग्राइंडर में पानी डाल के अच्छे से पीस लूँगी। जैसा कि आपने देखा मेरा खाना ऑलमोस्ट बन चुका है, बस मुझे सिर्फ चपातियाँ बनानी है, तो अब मैं चपातियाँ बनाऊँगी और फिर उसके बाद हम लोग गर्मा गर्म खाना खाएँगे। तो चलिए फिर हम लोग डिनर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो हम लोग डिनर करके आए हैं नीचे और मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि यहाँ पे दुर्गा पूजा की तैयारी चल रही है डांडिया की, तो ये देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी तैयारी हो चुकी है और ये देखिए यहाँ पे दुर्गा जी बैठेंगी, तो बिल्कुल लंका की तरह सजा रखा है, बढ़िया सा पंडाल बनाया है। देखते हैं यहाँ पे दुर्गा जी जब आएंगी तो कैसा होता है। और ये देखिए स्ट्रीट रोड में भी बहुत अच्छे से यहाँ पे डेकोरेशन चल रही है, जब लाइटें जल जाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पर फिनिश कर देती हूँ, मैं मिलती हूँ कल आपको एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ।